बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत दिल से खुश आमदीद। तो मेरे दोस्तों, आज का जो वाकया है बहुत ही अच्छा दिलचस्प होने वाला है, यानी कि ख़तरनाक फितना जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। मेरे प्यारे हजरात, एक दूसरे को जो कोई बोलते हैं ये मेरा दोस्त है, भाई है, उसी में आपस में लड़ाई हो जाती है। तो मेरे हजरात, आज का फितना बहुत ही अच्छा होने वाला है जो आपको हम बताएंगे, लेकिन सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना हमारी बात अगर आपको अच्छी लगे, क्योंकि यह आज का ऐसा वक्त है मेरे दोस्तों, एक बेचारा कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसके साथ में ऐसा फितना बो देते हैं कुछ लोग, जो कि वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाता है, और जो के हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, बातिल फलसफा के असर से जब कोई मुसलमान इस्लाम को तर्क करता है तो वो मजबूर नहीं होता कि हमेशा या सदी की तरह की किसी रस्मी कार्रवाई में से गुजरे, या मुसलमानों की जमात से अलग हो जाए, या उनसे अपने समाजी एक अक्सादी और सियासी ताल्लुकात मनकता करे, या अपनी बोदा पास के असर जो असर होते हैं मेरे दोस्तों उससे वो छूट जाए। लेकिन आज का जो हिसाब किताब जो आजकल का चल रहा है, जो से मौसरा जो है, आज का माहौल जो बना है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माहौल बना के रखा है मेरे प्यारे हजरात। इससे हम सभी को, भाइयों को बचना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, अपनी बोदोबाश के तरीकों को बदल देने दिए, या शादी और ब्याह और दोस्ती और रिश्तेदारी और मेल मुलाकात के लिए किसी और कौम से राह रब्ता पैदा करें, क्योंकि इस्लाम के इस नए होशियार दुश्मन, जो आज के दुश्मन ने अपने पर सितारों को इजाज़त दे के रखी है कि तुम मजहब से बेजार होकर अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन जाओ, तो फिर कोई हर्ज नहीं कि तुम इस्लाम ही के दायरे के अंदर रहो। चुनाचा उस दुश्मन दीन व ईमान से रिश्ता जोड़ने वाले आज नसब से भी ज़्यादा मुसलमान ऐसे हैं जो या तो अल्लाह के मुनकर हैं, या वे ही के यार सालत के, या हयात बाद अलमात के, या जजा दस्त जा के, और या उन सब के। उन मुसलमानों में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फर्क मिल जाएगा। इन मुसलमानों में से बाजे ऐसे हैं जो समझते हैं कि इस्लाम इस ज़माने में नाकाबिल अमल है, और बाज का ख्याल है कि सारा मजहब ही एक ढकोसला है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे आजकल के लोग ऐसे ही हैं दुनिया में, जो या तो इक्तसादी हालात का नतीजा होता है, या दबी हुई जिनसी ख्वाहिशात का रद्द अमल। फिर उनमें से कोई इस्लाम के मुआशी निज़ाम को फिर सौदा और बेकार समझता है। मेरे प्यारे हजरात, तो अल्लाह ताला हम सबको ऐसे लोगों से बहुत ही दूर रखे, क्योंकि अपनी दोस्तों आपको अपने आप को बचाना है। मेरे प्यारे हजरात, कोई इस्लामी रियासत की तजवीज को महकमत करार देता है, कोई जिनसी ताल्लुकात पर इस्लाम की आयदा की हुई पाबंदियों को एक फितरी हयातियाती अमल की नाजायज मजर सहत और खारिज अज वक़्त रुकावट समझकर उनका इत्तेफाक करता है। मेरे प्यारे हजरा, कोई इस्लाम की इबादत के तरीकों के बेमायने समझता है, कोई ज़कात को मौकूफ़ करना चाहता है। मेरे दोस्तों, आज हमारे मुसलमानों में बहुत कुछ ऐसे हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों,
फिर आज ऐसे ऐसे बातें होती है, बस पूछो मत, खाली फितना फसाद। और दोस्तों, अपने रास्ते जो हमारे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमको समझाया है, उस सबसे वो दूर जाना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। सब कोई दूर जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, फिर बोलते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अरे जुल्म तो तुम खुद अपने ऊपर करो है, क्योंकि तुमने कुरान को छोड़ दिया। मेरे प्यारे हजरात, कोई हज को, कोई कुर्बानी को, कोई नमाज को और कोई रोजा को, इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो इस्लाम ही के नाम पर इस्लाम की असासियात का इनकार करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और बहुत से दो दोस्तों हमारे मुसलमान में ऐसे फिरके परस्त ज़्यादा पैदा हो गए दोस्तों। एक दूसरे मौलवी को दूसरा मौलवी बुरा भला कहता है, क्यों? क्योंकि उसको अपना पेट भरना है। तो मेरे दोस्तों, ऐसा ना करो। ऐसा करके दोस्तों अपने को, अपने आप पे खुद तुम जुल्म कर रहे हो मेरे प्यारे हजरत। तो मेरे दोस्तों, उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो इस्लाम ही के नाम पर इस्लाम की असासियात का इनकार करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अभी भी वक्त है, हमें संभलने की बहुत ज़रूरत है मेरे दोस्तों, क्योंकि जब तक हम संभलेंगे नहीं, हम पे एक गैर मजहब इतना ही हावी हो जाएगा, इतना हमारे ऊपर राज करने लगेगा, क्योंकि हमने अपना रास्ता छोड़ दिया। अपना रास्ता छोड़ोगे तो अल्लाह ताला हमें ऐसे गंदे लोगों पे हमारा हुक्मरान खड़ा कर देगा। ये कुरान का फरमान है मेरे प्यारे दोस्तों, ये तुम पढ़ लेना, तारीख उठा के देख लेना। तो मेरे दोस्तों, बस यही बात समझ लेना मेरे प्यारे हजरा, अल्लाह से डरो दोस्तों, अपने जो कुरान पाके उसको मत भूलो मेरे प्यारे हजरा। तो मत करो ऐसे मेरे प्यारे हजरा, अल्लाह पे ईमान रखो मेरे प्यारे दोस्त। इनकार करते हैं और उसके बुनियाद असूलों को महकमा उजाड़ते हैं मेरे दोस्तों। वो अपने गैर इस्लामी तसव्वुरात ही को इस्लाम का नाम देते हैं दोस्तों। आज का दौर देखो मेरे दोस्तों, शादी ब्याह पहले बैठ के इज्जत से खाना खुलाया जाता था इस्लामी तौर तरीके से। आज बड़े बड़े बैंकट हॉल के होटलों की तरह जाते हैं, एक कोई भी बैठ के नहीं, खड़ा खड़ा खाना खाते हैं। और कैसे वही खाना दोस्तों मेरे प्यारे हजरात पैरों में खिंचला जाता है, बेबरकत होती है। हर चीज़ में बेबरकत अल्लाह ताला हमारे लिए नहीं करेगा तो क्यों, किस लिए करेगा मेरे प्यारे दोस्तों? और मेरे प्यारे हजरात, ऐसे करने से तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे हजरातों, और अक्सर उन्हें मालूम नहीं होता कि वो इस्लाम से अलग हो चुके हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि ये सब इस्लाम से अलग होने की तो बात है। जो तुम शादी ब्याह जब करते हो तो किस तरह से करते हो मेरे दोस्तों, बल्कि एक ऐसी राह इख्तियार कर चुके हैं जो इस्लाम से बिल्कुल बरअक्स समत में जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। इन सारी बातों के बावजूद ये लोग मुसलमानों की जमात में मुसलमान बनकर रहते हैं। क्यों रहते हो मेरे प्यारे दोस्तों? सब कुछ तुम हिंदुओं की तरह करते हो तो, लेकिन मुसलमान की जमात में मुसलमान बन के रहते हो। उससे शादी ब्याह दोस्ती और रिश्तेदारी मेल मुलावा मुलाकात और खाने पीने के ताल्लुकात कायम रखते हैं, बल्कि उनके जनाजे पढ़ते हैं, उनकी इबादतों में शरीक होते हैं। उस जदीद और ख़तरनाक फितना का नतीजा मगरिब के वो गलत फलसफे हैं जिनके बड़े बड़े इमाम डारून मेके डेवल गुल फराइद ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों। अल्लाह ताला हमें इन सबसे बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।